उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली के भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को किया रवाना। कहा, हर घर तिरंगा अभियान आजादी का अमृत महोत्सव का अहम हिस्सा, देश के हर घर में तिरंगा लहराना है अभियान का उद्देश्य। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना को जारी करने के दिए निर्देश। सौर ऊर्जा अपनाने को बढ़ावा देना है योजना का लक्ष्य। योजना के तहत 800 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की गई आवंटित। 16 अगस्त से शुरू होगी राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान की शुरुआत। एक महीने तक लोगों के लिए खुला रहेगा उद्यान। स्कूली बच्चों के लिए भवन संग्रहालय में होगा निःशुल्क प्रवेश। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण स्थगित हुई अमरनाथ यात्रा। प्रशासन ने कहा, तीर्थ यात्रियों के लिए जल्द शुरू होगी यात्रा। 19 अगस्त को संपन्न होगी श्री अमरनाथ यात्रा। दिल्ली के एनसीआर सहित कई इलाकों में भारी बारिश के कारण जलभराव की परिस्थितियां उत्पन्न। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों तक भारी बारिश व तूफान का जताया पूर्वानुमान। ब्राजील के साओ पाउलो में विमान दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में 62 यात्रियों की हुई मौत। सरकार ने सोशल मीडिया के माध्यम से जताया शोक। अमेरिका के लॉस एंजलिस में महसूस किए गए भूकंप के झटके। 4.4 रिएक्टर स्केल पर मापी गई भूकंप की तीव्रता। इंग्लैंड के बल्लेबाज बेन स्टोक्स श्रीलंका के साथ 3 टेस्ट मैच सीरीज से हुए बाहर। हैमस्ट्रिंग में चोट के कारण खिलाड़ी पर लगाया गया प्रतिबंध।